Hello, aspirants. Welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 8th of August. So let's get started. First is, हम सब लोग होप कर रहे थे विनेश फोगाट विल विन गोल्ड, बट अनफॉर्चुनेटली मैच फाइनल मैच से पहले इनका वेट जो है वो 50 केजी कैटेगरी में 100 ग्राम ऊपर चला गया और वो डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। ये ऑब्वियसली उसके अलावा वो यहाँ पर केस तो करेंगी अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन, बट रूल्स आर रूल्स, ओके, दैट्स नॉट गोना वर्क। यूनिस, देखिए मोहम्मद यूनिस हु इज ऑल्सो नोबेल लॉरिएट, जिन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप का कंसेप्ट लेकर आए माइक्रो क्रेडिट बैंकिंग का, ये आज ओथ लेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर इंटरिम गवर्नमेंट। बट ये जो खालिदा जिया की पार्टी है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि थोड़ी रेडिकल मानी जाती है राइट, और प्रो चाइना प्रो पाकिस्तान मानी जाती है, काफी हद तक एंटी इंडिया मानी जाती है, ओके, तो इन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द पोल कराए जाए और पावर ट्रांसफर की जाए एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को। सो ऑब्वियसली इंडिया के साथ रिलेशनशिप में फिर से एक स्ट्रेन आएगा, बट ये सारी चीजें हम पिछले दो सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, कल के पेपर में भी किया था और उससे एक दिन पहले भी। बाकी बांग्लादेश की इस वक्त हालत जो है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब हो चुका है, वैंडलिज्म एंड लूटिंग परसिस्टेड इन सम एरियाज विद सिक्योरिटी फोर्सेस स्ट्रगलिंग टू स्टेबलाइज द अनरेस्ट। Key ministry department secretaries have stopped attending office, causing a near standstill in the functioning of Bangladesh secretariat. There is deep concern over the deteriorating law and order. इसका जो भी impact इंडिया पे हो सकता है वो हमने कल discuss कर लिया था। There are concerns about ongoing destructive activities targeting industrial and commercial establishment. ठीक है, तो लूट जा रही है सब जगह, कहीं एप्पल के स्टोर लूटे जा रहे हैं, कहीं कुछ और। एनीवे, यहाँ पे साइंस अवार्ड दिया गया है फॉर इसरो टीम एंड आईआईएससी के जो एक्स चीफ थे पद्मनाभान पे, ठीक है, तो ये सारे जितने साइंस अवार्ड इनको रिस्ट्रक्चर किया गया है इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे ऑन पेज नंबर 6, ठीक है, अभी के लिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हियर, अब देखिए जब हम लोग बात करते हैं इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स और रिलेशंस की, अब यहाँ पे असम का एक ग्रुप है, मेघालय में ये एक केव है, यहाँ पर क्या है स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट, तो वैसे ही एक शिवलिंग बनता है जैसा कि एग्जैक्टली हमारे यहाँ पर वहां देखा जाता है अमरनाथ यात्रा में। तो मेघालय सरकार ने और या वहां के जो लोकल काउंसिल हैं उन्होंने इस पर बैन लगा दिया है ऑन पूजा, ठीक है, शिवलिंग की जो पूजा होती थी। ऑब्वियसली मेघालय में क्रिश्चियन थोड़े से ज्यादा हैं और इनका असम में जो एक रेडिकल ग्रुप है उसका ये मानना है कि मेघालय में जो क्रिश्चियंस हैं उनके प्रेशर के अंडर में शिवलिंग की पूजा पर बैन लगाया गया है। तो इन्होंने कहा है कि अगर आप ये बैन नहीं हटाते हैं तो फिर मेघालय के साथ जो असम का रोड कनेक्टिविटी है हम उसको ब्लॉक करेंगे, एट द सेम टाइम अगर मेघालय के लोग जो असम में रह रहे हैं उनके लिए ट्रबल होगा, ठीक है, इस तरीके की वार्निंग इन्होंने इशू की है। जस्ट अ सेकेंड, ए हार्ट लाइन हिंदू ग्रुप इन असम थ्रेटन द ब्लॉकेट इफ ए बैन ऑन वर्शिपिंग ए शिवलिंग इन ए जियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट केव इज नॉट लिफ्टेड। तो ये जगह का नाम है मोजिम्बुन, ये एक नेचुरल केव है 200 मीटर की हाइट पर, कैल्केरियस सैंडस्टोन की बनी हुई है और यहाँ पर एक शिव लिंग लाइक स्टोन बिलो वाटर ड्रिपिंग स्टैलेक्टाइट ऑलमोस्ट रिजेम्बलिंग ए काउस अडर। तो यहाँ पर जो इनका विलेज काउंसिल था दैट इज दोरबार शिनोंग, उसने इस पर बैन लगा दिया था। तो असम का ये जो रेडिकल ग्रुप है कुटुम्ब सुरक्षा परिषद, इसने कहा है कि दिस एक्ट ऑफ मेघालय विल इनवाइट ट्रबल फॉर पीपल ऑफ मेघालय कमिंग टू असम, ब्लेमिंग क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस फॉर फोर्सिंग द विलेज काउंसिल टू बैन हिंदू फ्रॉम परफॉर्मिंग देयर रिलीजियस ड्यूटीज एट द केव। ओके, तो हम इसको जनरली इंटर स्टेट रिलेशन और टेंशन के साथ ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। लैंडस्लाइड, तो मैं आपको बता चुका हूँ लैंडस्लाइड क्लाउडबर्स्ट और अर्बन फ्लड पे तो हम ऑलरेडी मेंस 450 में कर चुके हैं, लेकिन इसको हम शायद दोबारा करेंगे। हम लोग पूरी लेक्चर सीरीज बना रहे हैं अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, जितना भी सिलेबस है इसके अंदर जितने भी आते हैं, फ्लैश फ्लड्स आता है हमारा, फ्लैश ड्रॉट आता है, सुनामी साइक्लोन, ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट सीरीज जो कि थोड़े दिन में अपलोड की जाएगी, ठीक है। बाकी वो सब पेड कोर्स का भी पार्ट है जो एप्लीकेशन पे चल रहा है, बट डिजास्टर मैनेजमेंट और सोशल जस्टिस, ठीक है, ये दो हम लोग यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे। एनीवे आगे चलते हैं, तो लैंडस्लाइड की बात वहां पे हो जाएगी सारी। कल भी हमने देख लिया था अबाउट दिस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट 1994, राइट, और उसी से रिलेटेड एक और चीज है दैट वेमेन आउट नंबर द मैन इन लिविंग ऑर्गन डोनेशन लास्ट ईयर।
एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है ताकि ऑर्गन डोनेशन को मास मूवमेंट में बनाया जा सके, जैसे स्वच्छ भारत अभियान को बनाया गया था। बिकॉज हमारे यहाँ पर ऑर्गन रिक्वायरमेंट वाले बहुत लोग हैं, बट डोनर बहुत ज्यादा कम होते हैं। विमेन लेड द वे इन लिविंग ऑर्गन डोनेशन। नंबर ऑफ विमेन लिविंग डोनर्स वॉज 9,784 लास्ट ईयर कंपेयर टू 5,651 मैन। The total number of organ transplant taking into account both living as well as deceased donor was 18,000. This is the highest ever. Okay, तो ये जो अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं उसका obviously रिजल्ट देखने को मिल रहा है। With an intensive awareness campaign on the issue underway, nation saw a significant jump in the number of organ donations. The organ donation rate still continues to be less than per 1 per million population. तो ये तो अभी भी काफी लो है, but at least हम लोग एक अपने अभी तक के highest level पर तो पहुंचे हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो शायद आपको एज अ कॉमन मैन भी पता होना चाहिए। लिविंग डोनर आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर और अबव कुड डोनेट ईदर वन किडनी और पार्ट ऑफ लिवर ओनली, जबकि अगर ब्रेन डेड डोनर है वो किसी भी एज का हो, कुड डोनेट हार्ट, टू लंग्स, लिवर, टू किडनीज, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉर्निया, बोन, स्किन, हार्ट वॉल्व्स एटसेट्रा। आफ्टर नेचुरल कार्डियक डेथ ओनली टिश्यूज कैन बी डोनेटेड। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। और ऑर्गन डोनेशन में टॉप किसने किया है, तो तेलंगाना ने टॉप किया है। ओके, बस इतनी सी बात है। बाकी कल हमने इसका जो एक्ट है 1994 का वो हमने देख लिया था। कृष्णा रिवर इज इन न्यूज, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। एक तो डिस्प्यूट चलता रहता है इनको लेकर। ठीक है, तो कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज में आप इंपॉर्टेंट वन याद रखिए, और राइट वन से सबसे इंपॉर्टेंट आपकी है तुंगभद्रा। ओके, तुंगभद्रा, इसके अलावा मालप्रभा, दिस इज वैनगंगा एंड दिस इज पंचगंगा। राइट, ये आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाती है, इनके बारे में याद रखिए। नेक्स्ट इज जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है उनमें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए घोड़, मूसी एंड मुन्नेरू। ठीक है, ये तीन याद रख लीजिएगा, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ऑलराइट, आज की न्यूज़पेपर में ज्यादा चीजें नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर मनी बिल और दोनों टाइप की जो फाइनेंशियल बिल है इनके बारे में कुछ बातें जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग ऐसा नहीं है कि वो नहीं चल रहा है रेगुलर। ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ यहाँ यूट्यूब पे व्यूज काफी कम आने की वजह से मैंने इसको थोड़ा सा स्लो कर रखा है। ठीक है, बट मैं अपने एप्लीकेशन पे हम लोग अपलोड करते रहते हैं एज पार्ट ऑफ अ कोर्स। और आज इसमें हम लोग तीन टॉपिक्स देखेंगे। कल इसराइल और यूके का रिलेशन न्यूज में था, यूके ने अपना स्टांस थोड़ा सा बदला है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, तो यहाँ पे हम पूरा डिटेल में देखेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसकी फंक्शनिंग एंड अचीवमेंट्स। राइट, सेकेंड हम लोग देखेंगे 5 साल कंप्लीट होने को हैं, अब हो चुके हैं ऑलरेडी 5 ईयर्स आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो अभी तक यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में इन 5 साल में क्या चेंजेस आए हैं। और थर्ड हम लोग देखेंगे जो ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल आने वाला है, क्योंकि ये बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके। ठीक है, बट जितना एडमेंट गवर्नमेंट दिख रही है और जितनी उसके बाद मेजोरिटी भी है लोकसभा में, बाकी एजेंसीज का यूज करके राज्यसभा से भी पास करवा ही लेंगे। तो ये तीन इश्यूज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम आज के ब्रेन स्टॉर्मिंग में कवर करेंगे। ऑलराइट, तो आप लोग एंड सी कोई भी चीज़ अगर आप ये सोचते हो कि एवरीथिंग शुड बी फ्री, तो बीट एजुकेशन और योर पर्सनल लाइफ, ओके, और इवन योर पेरेंट्स वर्किंग ऑब्वियसली फॉर सम इनकम और सैलरी। ओके, सो द थिंग इज कि कोई भी चीज़ अगर फ्री आती है तो इट डजेंट कम विथ क्वालिटी। आप लोग अगर ये सोचते हो कि यूट्यूब पे सब कुछ फ्री अवेलेबल है, हम उससे पढ़ लेंगे, तो देर इज नो मोटिवेशन फॉर एनी टीचर टू गिव हिज बेस्ट। ओके, सो वो चीज आपको दिखता है कि ये फ्री है, अच्छी बात है, बट द थिंग इज कि वो आपके पैसे भले ही बचा देगी, लेकिन वो आपका टाइम और आपका प्रीशियस अटेम्प्ट खराब कर देगी। ओके, सो आई कांट कीप एवरीथिंग फ्री, ऑल दिस कम्स एट जस्ट 1,000 रुपीज पर मंथ कॉस्ट। ओके, इवन आजकल स्कूल के बच्चों की फीस इससे ज्यादा होती है ट्यूशन की। ऑलराइट, तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं इजी एस पाई, उसमें आपको ये सारी चीजें वहां मिल जाएंगी, बेट मेन्स 450+, बेट ब्रेन स्टॉर्मिंग, या फिर जो स्टैटिक सिलेबस हम लोग रिविजन शुरू करेंगे वो सब उसी में आ जाएगा। चलिए फाइनेंस बिल एंड मनी बिल की बात कर लेते हैं, बट उससे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इसमें अमेंडमेंट किया गया, और कल भी हमने बताया था कि ये पब्लिकली ऑप्शनल कर दिया गया है। ठीक है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था न्यूज एनालिसिस में 4-5 दिन पहले, आप देख सकते हैं वहां पे जाके थंबनेल पे लिखा होगा। ठीक है, इसमें इंडेक्सेशन में चेंज किए गए, पहले इंडेक्सेशन अलाउ किया जाता था और आपसे टैक्स लिया जाता था 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, अब इन्होंने इंडेक्सेशन हटा दिया। ठीक है, विदाउट इंडेक्सेशन आप 12.5% दे दीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें वहां पे मैंने विद एग्जांपल डिटेल में आपको समझा रखी है, तो वी आर डन विद दिस टॉपिक।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और बजट में जो अमेंडमेंट किए गए, सिर्फ इसमें आप चेंजेस ये किया गया है कि आपके लिए ऑप्शन बना दिया गया है, आप पुरानी वाली रिजीम फॉलो करना चाहते हो इंडेक्सेशन प्लस 20% तो वो कर लीजिए, या विदाउट इंडेक्सेशन प्लस 12.5% फॉलो करना चाहते हो तो वो कर लीजिए, ये ऑप्शनल कर दिया गया है, मैंडेटरी नहीं रखा है अब। ओके, दूसरा फाइनेंस बिल पास हुआ है तो हम लोग आज टाइम है हमारे पास, हम मनी बिल और फाइनेंस बिल के बारे में जान लेते हैं अपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, मनी बिल को डिफाइन कहाँ किया गया है, आर्टिकल 110 में, ठीक है, और ये क्लियरली आर्टिकल 110 का जो क्लॉज 1 है वो डिटेल में लिस्ट देता है पूरा कि किसको हम मनी बिल कहेंगे। ओके, सिर्फ ये अगर प्रोविजंस हैं उसमें तभी उसको मनी बिल कहा जा सकता है, दैट इज इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट, द अमेंडमेंट ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अंडरटेकन और टू बी अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, ऐसे बिल को आप मनी बिल कह सकते हो, या फिर द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड, इससे अगर कोई मनी पे किया जा रहा है, यहाँ से मनी विड्रॉ किया जा रहा है तो उसको मनी बिल हम कह सकते हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और इसी को मानते हुए इन्होंने क्या कर दिया था कि जो भी एक्सपेंडिचर चार्ज वगैरह, जो भी एक्सपेंडिचर आपको आधार एक्ट, आधार का यूज करके देने थे पब्लिक को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में, उन सबको उन्होंने आधार एक्ट के अंडर में डाला और आधार एक्ट को मनी बिल की तरह पास कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त केस पेंडिंग है उसी चीज को लेकर कि मनी बिल का मिसयूज जो किया जा रहा है उसके अगेंस्ट, जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा तब हम उसकी बात करेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडिचर चार्ज, नाउ ये आप जानते होंगे एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड एंड एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, क्योंकि ये जो चार्ज होता है इसको वोट नहीं कर सकता पार्लियामेंट, इट कैन नॉट बी वोटेड, जैसे सैलरी एंड पेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, राइट, उसको आप नहीं कर सकते, या इलेक्शन कमीशन का जो खर्चा है उसको आप नहीं कर सकते, दीज आर चार्ज एक्सपेंडिचर, CAG, ठीक है, उसके खर्चे चार्ज एक्सपेंडिचर में आते हैं। द रिसीट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और द कस्टडी और इश्यू ऑफ सच मनी और द ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन और से, ये सब कहलाएगा आपका, इट ऑल दिस कम अंडर डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, ठीक है। फर्स्ट इज इंट्रोड्यूस कहाँ किया जा सकता है, तो इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, ओके, और वो भी ऑन दी प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, सो रिमेंबर दीज टू पॉइंट्स। सेकेंड इज स्पीकर अगर सर्टिफाई कर देता है कि ये मनी बिल है तो वो फाइनल डिसीजन माना जाएगा, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। सेकेंड इज राज्यसभा रोल, राज्यसभा यहाँ पे रिजेक्ट नहीं कर सकती ना ही अमेंडमेंट कर सकती है इसमें, वो सिर्फ अपने रिकमेंडेशन दे सकती है, अब वो लोकसभा की मर्जी है, वो रिकमेंडेशन को या तो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, तो राज्यसभा का रोल यहाँ पे बहुत कम है, इसीलिए आधार एक्ट, उसके बाद ट्रिब्यूनल्स में जो अमेंडमेंट किए गए ये सब मनी बिल के रास्ते से पास कर दिए गवर्नमेंट ने ताकि राज्यसभा उसको रोक ना पाए। टाइम फ्रेम, राज्यसभा मस्ट रिटर्न दी मनी बिल विद और विदाउट रिकमेंडेशन विद इन 14 डेज, ठीक है, अगर 14 डेज में राज्यसभा ने रिटर्न नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा दैट इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन पास बाय राज्यसभा। आफ्टर पासिंग फ्रॉम बोथ हाउसेस द बिल इज प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट फॉर एसेंट, ठीक है, तो क्या प्रेसिडेंट यहाँ पर अपने एसेंट को विथहोल्ड कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जनरली वो करते नहीं है क्योंकि आपने ऊपर देखा कि ये इंट्रोड्यूस ही उन्हीं के रिकमेंडेशन पे होता है, उन्हीं की प्रायर परमिशन से ही उन्हीं के प्रायर रिकमेंडेशन से ही ये इंट्रोड्यूस होता है, तो फिर वो जनरली अपना एसेंट दे ही देते हैं, विथहोल्ड नहीं करते हैं। ये बात हो गई मनी बिल की। अब जो दो फाइनेंस बिल है इनको जान लीजिए, दे कम्स कम अंडर आर्टिकल 117, ठीक है, दो टाइप के फाइनेंस बिल होते हैं, फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2। दिस बिल कंटेन नॉट ओनली एनी और ऑल मैटर मेंशन इन आर्टिकल 110, जो ऊपर हमने ये सारे प्रोविजन देखे ये 126, ठीक है, इनके अलावा भी, ठीक है, इट कंटेन्स नॉट ओनली ऑल एनी और ऑल द मैटर्स मेंशन इन आर्टिकल 110 दैट इज मनी बिल, बट ऑल्सो अदर मैटर्स ऑफ जनरल लेजिस्लेशन, ठीक है, इसीलिए इट कैन, ये भी इंट्रोड्यूस सिर्फ आप लोकसभा में ही कर सकते हो, हम फाइनेंस बिल 1 की बात कर रहे हैं अभी, 2 की नहीं, इट कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, वो भी ऑन द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, तो ये चीज तो मनी बिल जैसी हो गई सेम। राज्यसभा हैज पावर टू रिजेक्ट और अमेंड, बस ये चीज डिफरेंट कर देती है इसको मनी बिल से, कि यहां पर राज्यसभा इसको रिजेक्ट भी कर सकता है और अमेंड भी कर सकता है, राइट, इसीलिए ये ऑपोजिशन ने इतना हल्ला मचाया ना इस मैटर पे कि लॉन्ग टर्म गेन टैक्स में आपने ये सब क्यों किया है, इसमें ऑप्शन दीजिए पब्लिक को, ये तो आप लूट रहे हो जनता को, ठीक है, तो ये सब, ये फाइनेंस बिल जो पास हुए तभी तो ये अमेंडमेंट किए गए ना, वरना क्यों करते, वरना तो लोकसभा से सरकार पास करा देती,
ठीक है। तो ये फाइनेंस बिल जो वन है वो फर्स्ट प्रोविजन इसका बिल्कुल मनी बिल जैसा है, ओनली इन लोकसभा इट कैन बी इंट्रोड्यूस एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, बट सेकंड प्रोविजन डिफरेंट कर देता है इसको, राज्यसभा हैज पावर टू रिजेक्ट और अमेंड सच बिल। ठीक है। थर्ड थिंग, दे आर नॉट सर्टिफाइड एज मनी बिल बाय द स्पीकर। ठीक है, मनी बिल सर्टिफाई कर दिया तो फिर राज्यसभा का पावर ही नहीं होती ना, तो यहाँ पर इसको सर्टिफाई नहीं किया जाता है एज अ मनी बिल बाय द स्पीकर। ठीक है, तो ये तीन प्रोविजन याद रखिएगा, यही आपसे एग्जाम में गलती कराएंगे। पूरी पॉलिटी मैं ही पढ़ाऊंगा आपको एप्लीकेशन पे अपने पेड पोस्ट में, ठीक है, वहां पूरी पॉलिटी मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, हम जितना सिंप्लीफाई कर सकेंगे उतना करेंगे। चैनल का नाम इसलिए इजी रखा गया है, ये टू मेक योर प्रिपरेशन इजी। फाइनेंस फाइनेंशियल बिल टू, दिस डील विद मैटर्स रिलेटिंग टू रेवन्यू और एक्सपेंडिचर बट डू नॉट कंटेन एक्सक्लूसिवली दोज मैटर्स मेंशन इन आर्टिकल 110। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब ये दोनों से डिफरेंट हो गया, मनी बिल से भी और फाइनेंस बिल से भी। ओके, इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट डज नॉट रिक्वायर प्रेसिडेंट कंफर्म रिकमेंडेशन। ठीक है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया उन दोनों से। कंसिडरेशन, द बिल इज ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी बिल। ओके, यानी कि राज्यसभा इसको अमेंड भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। सो व्हाट इज द की डिफरेंस नाउ, लेट्स समराइज। मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल वन, मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल वन, दे नीड प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन फॉर इंट्रोडक्शन, वेयर एज फाइनेंशियल बिल टू डज नॉट। मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल वन, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, वाइल फाइनेंशियल बिल टू कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस। एंड थर्ड वन, राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट मनी बिल बट कैन अमेंड और रिजेक्ट फाइनेंशियल बिल वन एंड फाइनेंशियल बिल टू। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स अगर आपने याद रख लिए तो आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर। चलिए वापस चलते हैं न्यूज पर। पीएमएलए केस केस, ठीक है, इसमें कन्विक्शन रेशियो बहुत पुअर है, इसलिए ईडी को बार बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ती रहती है। आपने 5000 केसेस फाइल किए बट सिर्फ 40 कन्विक्शन हो पाए बाय डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ठीक है, अंडर पीएमएलए। पीएमएलए एक्ट पर मैं आपको पूरा सेशन दे चुका हूँ मेंस 450 प्लस में, उसका लिंक मैं आपको पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, वहां से देख लेना। पीएमएलए एक्ट पर मेंस में क्वेश्चन आ सकता है आपको। ओके, जो बिल आने वाला है वक्फ बोर्ड को चेंज करने के लिए, इसमें अमेंडमेंट करने के लिए थोड़े बहुत नहीं, एज मैनी एज 40 अमेंडमेंट्स होने वाले हैं यहाँ, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, तो इस बिल को जब आ जाएगा उसके प्रोविजन भी डिस्कस कर लेंगे, बट फिलहाल के लिए कुछ बातें याद रखिए कि ये जो वक्फ बोर्ड है, इट इज नथिंग बट जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है, कि जो चाहे आप चैरिटेबल पर्पज के लिए रख लीजिए, रिलीजियस पर्पज के लिए रख लीजिए, या कोई आपको डोनेट कर दे, यानी जितनी भी मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी है उसको आप वक्फ बोर्ड मैनेज करता है। सेकेंड थिंग इज कि आफ्टर डिफेंस मिनिस्ट्री, जिसके पास सबसे ज्यादा लैंड है इंडिया में, देन कम्स रेलवे मिनिस्ट्री एंड देन थर्ड नंबर पे आता है वक्फ। इसकी फंक्शन में ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपकी किसी जमीन पे वक्फ क्लेम कर देता है कि ये हमारी जमीन है, तो फिर जो केस जाता है, जो जजमेंट आता है, वो वक्फ का ही ट्रिब्यूनल है वहां पे होता है, तो ऐसे में बायसनेस के काफी चांसेस। तमिलनाडु में एक केस हुआ था जहां पर पूरा का पूरा एक गांव क्लेम कर दिया था वक्फ, स्टेट वक्फ बोर्ड ने, कि ये पूरे गांव की जमीन हमारी है, राइट। तो ट्रिब्यूनल फैसला करता था वहां, ये पावर ट्रिब्यूनल से लेके दे दी जाएगी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, अब ऐसा जहां तक की अभी बातें हैं पब्लिक में। इसके अलावा बोर्ड में एक विमेन मेंबर को भी बिठाया जाएगा, राइट। इसके अलावा और जितने अमेंडमेंट्स होंगे वो आएंगे जब, तब देख लेंगे। यूनियन गवर्नमेंट प्रपोज टू स्ट्रिप द वक्फ बोर्ड ऑफ इट्स पावर टू डिक्लेयर ए प्रॉपर्टी एज इट्स ओन। ठीक है, ये पावर नहीं देनी है इनको, आप थोड़ी डिक्लेयर कर दोगे कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। इंक्लूजन ऑफ टू मुस्लिम वुमेन एंड टू नॉन मुस्लिम मेंबर्स ऑन द बोर्ड। अब देखिए ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा कि इसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स को आप क्यों इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रोवर्सी बनेगी। इट विल इंसर्ट ए न्यू सेक्शन टू प्रिवेंट द रॉन्गफुल डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉपर्टी एज अ वक्फ। और इस बोर्ड पर कई बार एलिगेशन लगे, इन्होंने बेवजह कई लोगों की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी कि ये हमारी है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज एन आर्बिटर टू डिसाइड इफ ए प्रॉपर्टी इज अ वक्फ और गवर्नमेंट लैंड। अभी तक अंडर 1995 एक्ट, जो कि मैंने आपसे 3 दिन पहले पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, उसमें ये डिसीजन अभी ट्रिब्यूनल लेता है, ठीक है, ये अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दिया जाएगा डिसीजन। वक्फ कंप्राइजेस द प्रॉपर्टी और लैंड डोनेटेड बाय फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम एंड मैनेज बाय द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। 8.7 लाख प्रॉपर्टीज है इनके पास, 9.4 लाख एकर्स ऑफ लैंड है जिसकी वैल्यू 1.2 लाख करोड़। इट इज थर्ड लार्जेस्ट ओनर आफ्टर डिफेंस एंड रेलवे मिनिस्ट्री, और लास्ट टाइम ये एक्ट अमेंडमेंट हुआ था 2013 में, और 13 में ये गलत पावर दे दी गई थी इनको, दैट आप वक्फ डिक्लेयर कर सकता है दैट दिस प्रॉपर्टी इज बिलोंग टू इट सेल्फ, ठीक है, कि ये प्रॉपर्टी हमारी है।
ऐसे में कई आम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुई है कि ये पावर तो सरकार इनसे वापस से छीन लेगी। पीएमएलए पूरा मेंस 450 में कंप्लीट किया जा चुका है ये टॉपिक, उसको डिटेल नोट्स आप वहां से ले लीजिएगा। आगे चलते हैं। ओके, अब हमने बात की थी कि यहाँ पर टॉप साइंस अवार्ड दिए गए, ये बहुत सारे अवार्ड दिए जाते थे बट उसको क्या किया गया, बाद में थोड़ा सा कम कर दिया गया। ठीक है, आपने चार कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर दैट दिस अगस्त 23, जिस दिन चंद्रयान 3 लैंड हुआ था, उसको डिक्लेयर किया गया एज अ नेशनल स्पेस डे। ठीक है, टू मार्क चंद्रयान 3 मून लैंडिंग। देन ये पहली बार दिए गए हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, क्योंकि काफी सारे अवार्ड्स को मर्ज किया गया, कैटेगराइज कम से कम किया गया ताकि ज्यादा हौज पोश हो। पहले कई तरह के अवार्ड्स दिए जाते थे। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने नोटिफाई किया है फोर कैटेगरीज ऑफ अवार्ड्स कंप्राइजिंग ऑफ मैक्सिमम ऑफ 56। ठीक है, तो आप इन चारों कैटेगरी में मिला के मैक्सिमम कितने अवार्ड्स दे सकते हैं, 56। पहला पहला कैटेगरी है थ्री विज्ञान रत्न, ये दिया जाएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। ठीक है, फिर 25 विज्ञान श्री दिए जा सकते हैं टू रिकग्नाइज डिस्टिंग्विश्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, विज्ञान रत्न मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, ठीक है, एंड विज्ञान युवा, एंड 25 अवार्ड दिए जा सकते हैं आपके फॉर विज्ञान युवा। ऑलराइट, इसके अलावा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड रिकग्नाइज करता है, एनकरेज करता है यंग साइंटिस्ट को जो कि अंडर 45 होते हैं टू मेड एन एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड अप टू थ्री विज्ञान टीम अवार्ड्स। ठीक है, तीन विज्ञान टीम अवार्ड्स। अब देखिए, 25 हो गए युवा, 25 हो गए श्री, ठीक है, तीन हो गए रत्न अवार्ड और तीन हो गए विज्ञान टीम अवार्ड्स। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 56। ये रिकॉग्नाइज करता है टीम एफर्ट्स को, थ्री और मोर साइंटिस्ट रिसर्चर्स इनोवेटर्स हु हैव मेड एन एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन वर्किंग इन द टीम। ठीक है, तो इस तरीके से 56 अवार्ड्स दिए गए। इसके अलावा ये है हमारे डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर के, जो कि सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है, उसके डायरेक्टर थे फॉर्मर पद्मना भान, इनको ही वॉज अनाउंस एज द विनर ऑफ विज्ञान रत्न। चलिए, और ये यहाँ यहाँ पर आपको जो अवार्ड दिया जाता है वो नॉमिनेशन प्रोसेस होता है ऑन द पोर्टल मेंटेन बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री। ओके, रिमेंबर दिस, आपको नॉमिनेशन करना भी है अगर अपने नाम का, तो आप कहाँ करेंगे, यूनियन होम मिनिस्ट्री जो पोर्टल बनाई है उस पे, जबकि अवार्ड दे कौन रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। गलती नहीं करना, ये सब साइंस के बेकार के आर्टिकल्स हैं, हम काम के आर्टिकल पे चलते हैं। हमारे काम का आर्टिकल है क्लोजर लुक एट बीफिंग अप जम्मू काउंटर टेररिज्म ग्रेट। ठीक है, ये जम्मू के लिए तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल भी इस वक्त हमारे आसपास जो सिचुएशन बनी है इंडिया के, ठीक है, एक नेपाल है जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा है, पाकिस्तान है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा है, अफगानिस्तान है तालिबान के रूल में है, श्रीलंका पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से, म्यांमार मिलिट्री रूल चल रहा है वहाँ पर, मिलिट्री और रेबल्स के बीच फाइट। ओके, इसके बाद बांग्लादेश, तो यहाँ पर भी अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो अब इंडिया के आसपास से भी एक भूटानी कंट्री है जो कि ठीक ठाक सेफली बैठा हुआ है, बाकी सब में ट्रबल चल रहा है। अब इंडिया के लिए यहाँ पे जरूरी क्या हो जाता है कि हमारे जितने भी क्रॉस बॉर्डर रिस्क हैं, ठीक है, चाहे वो ड्रग्स को लेकर हो, आर्म्स ट्रेडिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर टेररिज्म, ठीक है, उन सबको लेकर हमें अपना क्रॉस बॉर्डर जो कंसर्न्स हैं उनका ध्यान रखने की जरूरत है। और उस पर मैंने आपको पूरा एक प्रॉपर सेशन ऑलरेडी दिया हुआ है 450 प्लस पे, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी पे, तो वो वहां से देख लेना। बाकी जम्मू से रिलेटेड चीजें हम यहाँ पे जान लेते हैं और इस आर्टिकल में ये क्या पॉइंट रेस कर रहे हैं उसकी भी समरी हम देखेंगे। तो अप्रोच हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए तीन मेन अप्रोच होने चाहिए। पहला, हमें अपने सिक्योरिटी मेजर को बेटर बनाने की जरूरत है। दूसरा, वहां के लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के, उनके हार्ट और माइंड में जो मिसकंसेप्शन है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर वो भी क्लियर करने की जरूरत है। एंड थर्ड, पॉलिटिकल डायलॉग को, ठीक है, उसके अलावा बाकी माइनर पॉइंट्स हैं उन सबको बाद में देखते हैं, पहले मेन पॉइंट्स की बात करते हैं। स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी मेजर, वी नीड टू डिप्लॉय एडिशनल ट्रूप्स, क्योंकि गलवान में क्लैश होने के बाद हमने काफी सारे ट्रूप्स थे जो थे हमारे एक्सपीरियंस ट्रूप्स जो यहाँ पर लोकल लोगों से अपनी इंटेलिजेंस भी बना के रखे हुए थे, उनको हमने काफी हद तक शिफ्ट कर दिया ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर विद चाइना। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एडिशनल ट्रूप्स लाने होंगे फिर से, स्पेशलाइज फोर्सेज टू एरियाज विद हाई इंसर्जेंट एक्टिविटी, एंश्योर दैट दीज फोर्सेज आर वेल ट्रेन्ड इन काउंटर इंसर्जेंसी टैक्टिक्स एंड फैमिलियर विद द लोकल टेरेन एंड डायनेमिक्स। क्योंकि जो
ऑफिसर्स पहले यहाँ पे काम कर चुके हैं, ठीक है, उनको हमने उधर शिफ्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे जो नए लोग आए उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ना तो वो काउंटर इंसर्जेंसी में उतने ज्यादा ट्रेन ऑफिसर्स हैं, ठीक है, ना ही उनकी कोई फैमिलियरिटी है विद द लोकल टेरेन एंड द डायनेमिक्स, यानी कि लोकल लोगों के साथ उतना इंटेलिजेंस बॉन्ड भी नहीं है। इंटेलिजेंस गैदरिंग, वी नीड टू इम्प्रूव द इंटेलिजेंस केपेबिलिटीज थ्रू बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एजेंसीज, यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक ड्रोन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क। कि ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप जितना मर्जी इधर उधर कैप्चर कर लीजिए, लेकिन जब तक आप ग्राउंड लेवल पे लोगों से, जैसे पुलिस अपने इन्फॉर्मर सकती है, आर्मी भी अपने इन्फॉर्मर सकती है नीचे, ठीक है, तो जब तक आप ह्यूमन इंटेलिजेंस आपका अच्छा नहीं होगा तब तक अटैक्स होते रहेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी, वी नीड टू टाइटन द सिक्योरिटी अलॉन्ग LOC एंड द इंटरनेशनल बॉर्डर टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन। दिस इंक्लूड यूजिंग एडवांस सर्विलेंस इक्विपमेंट एज वेल एज इंक्रीजिंग पेट्रोलिंग, राइट। तो ये तीनों पॉइंट आ जाएंगे स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी मेजर के अंडर में। विनिंग हार्ट एंड माइंड, अब उसके तीन ही तरीके हैं। एक तो पहला, तो वहां के लोगों के लिए डेवलपमेंट आनी चाहिए, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन ताकि जो रेडिकलाइज हुए हैं उनको ठीक किया जा सके, और तीसरा कम्युनिटी एंगेजमेंट ताकि दिखाया जा सके कि ये आर्मी आपकी सुरक्षा के लिए है। वर्किंग क्लोजली विद लोकल कम्युनिटीज टू बिल्ड ट्रस्ट, इट इन्वॉल्व रेगुलर इंटरेक्शन बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेज एंड लोकल पॉपुलेशन, एड्रेसिंग देयर ग्रीवांसेस, इन्वॉल्विंग देम इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द रीजन, इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट को वहां पे आर्मी ऑपरेट करती है, ठीक है, नई मंजिल इस टाइप के स्कीम्स चलाई है आर्मी ने, ताकि लोग यहाँ के लोगों को एजुकेट ज्यादा किया जा सके और वो रेडिकलाइजेशन से दूर रहें। साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, यूज मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज टू काउंटर इंसर्जेंट प्रोपेगेंडा एंड हाईलाइट द बेनिफिट ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट। क्योंकि जितने भी कश्मीरी पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, चाहे महबूबा मुफ्ती हो या अब्दुल्ला फैमिली हो, सबके बच्चे लंदन सिंगापुर में रह रहे हैं, कोई वहां नहीं रह रहा, लेकिन वहां के छोटे छोटे बच्चों को उकसाया जाता है कश्मीर की आजादी, कश्मीरियत, ये एंड ऑल दोस थिंग, स्टोन पेल्टिंग करवा रहे हैं, कहीं कुछ करवा रहे हैं, ये सब, ये प्रोपोगंडा जो है इसको काउंटर करने की जरूरत है हमें। पॉलिटिकल डायलॉग, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बाय सेप्टेम्बर 30 आप यहाँ पे इलेक्शन कराइए, बट अभी तक ऐसे आसार दिख नहीं रहे जिस हिसाब से इंसर्जेंसी बढ़ रही है कि ये हो पाएगा। एंगेज इन डायलॉग विद वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग लोकल पॉलिटिकल लीडर्स, कम्युनिटी लीडर्स एंड इवन मॉडरेट एलिमेंट्स विद इन इंसर्जेंट ग्रुप्स। द एम शुड बी टू एड्रेस द पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल ग्रीवांसेस दैट फ्यूल द इंसर्जेंसी। ऑटोनमी एंड गवर्नेंस, कंसिडर मेजर टू एनहांस लोकल गवर्नेंस ऑटोनमी एंड एंश्योर दैट लोकल पॉपुलेशन फील मोर इन कंट्रोल ऑफ देयर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। जैसे कि हमारे यहाँ लद्दाख क्या डिमांड कर रहा है, वो कह रहा है कि हमारी सेपरेट PSC दे दीजिए, ठीक है, ताकि हम रिक्रूटमेंट कर सकें, हमारे लोगों के पास जॉब के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। एक तो आप अग्निवीर जैसी भी स्कीम ले आए तो फिर 3-4 साल बाद हम हमारे बच्चे क्या करेंगे, राइट। दूसरा वो ये मांग रहा है कि हमें सिर्फ तो शेड्यूल दे दीजिए। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज, एनकरेज इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू रिड्यूस दी अपील ऑफ इंसर्जेंसी, प्रमोट टूरिज्म, एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इन्वेस्ट इन एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, एम्पावर दी यूथ, प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव टू ज्वाइनिंग इंसर्जेंट ग्रुप्स, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ, एंश्योर दैट सिक्योरिटी ऑपरेशन आर कंडक्टेड विद रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। अब कई बार होता है क्या है कि जब सिक्योरिटी फोर्स पर अटैक होता है तो उसके बाद फिर आर्मी एक आयरन हैंड यूज करती है, कई बार उसमें थोड़े से बेगुनाह लोग भी फंस जाते हैं, तो उस तरह की चीजें ना हो। एड्रेस एनी एलिगेशन ऑफ ह्यूमन राइट अब्यूसेस प्रॉम्प्टली एंड ट्रांसपेरेंटली, चाहे वो किसने भी किए हो, सिक्योरिटी फोर्सेस ने या किसी ने भी। स्ट्रेंथन द जुडिशियल सिस्टम टू प्रोवाइड स्पीडी एंड फेयर ट्रायल। जैसे कई लोग हैं वहां पर कश्मीर में जिनकी जिंदगी के 10-10-15 साल निकल गए ट्रायल में, ठीक है, पकड़ा था पुलिस ने वहां की, केस बनाया उनके अगेंस्ट, और 14 साल बाद पता चलता है कि वो आदमी बेगुनाह था, ठीक है, ये हुआ, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट पर्सन, तो उसने यही कहा था कि मेरी तो पूरी लाइफ ही खत्म हो गई वहां जेल में, तो फिर अब क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो जुडिशियल सिस्टम थोड़ा स्पीडी एंड फेयर होना चाहिए। दोस अक्यूज ऑफ इंसर्जेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज, एंश्योरिंग जस्टिस इज सर्व एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द लीगल सिस्टम इज मेंटेन। डिप्लोमेटिक एफर्ट, अब क्योंकि ये सारी इंसर्जेंसी को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, पाकिस्तान, सो वी नीड टू वर्क विद इंटरनेशनल पार्टनर्स टू पुट प्रेशर ऑन कंट्रीज सपोर्टिंग इंसर्जेंसी। दिस इंक्लूड डिप्लोमेटिक एफर्ट टू आइसोलेट सच कंट्रीज एंड लीवरेज इंटरनेशनल फोरम। एंगेज इन, अब देखिए आपको यहाँ पे ना इसी तरह के पॉइंट्स यूज करने होंगे, आपको ये नहीं लिख सकते आप डायरेक्ट कि आइसोलेट पाकिस्तान एंड ऑल दोस थिंग, नो, यू नीड टू राइट दैट वर्क विद इंटरनेशनल पार्टनर्स टू पुट प्रेशर ऑन कंट्रीज सपोर्टिंग इंसर्जेंसी, ऐसी कंट्रीज पर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू आइसोलेट सच कंट्रीज, ठीक है, आपको इसी तरह की लैंग्वेज यूज करनी होगी वहां, ऐसे आप डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते पाकिस्तान का नाम।
एंगेज इन डायलॉग विद नेबरिंग कंट्रीज टू एड्रेस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड सीक देयर कॉपरेशन इन कर्बिंग इंसर्जेंसी। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग में यूज की जा सकती है, जैसे ड्रोन, सैटेलाइट, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग टू कीप ट्रैक ऑफ इंसर्जेंट एक्टिविटीज, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रिवेंट इंसर्जेंट्स फ्रॉम यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऑफ प्रोपेगेंडा एंड रिक्रूटमेंट। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें तो ट्रेनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए ओके हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज का, इक्विप देम विद द लेटेस्ट टैक्टिक्स एंड टेक्नोलॉजीज, जैसे इसराइल के सोल्जर्स हैं। कोऑर्डिनेशन अमंग एजेंसीज, एंश्योर बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज फॉर यूनिफाइड एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स। मीडिया इन्फॉर्मेशन का काफ़ी रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है मीडिया का। प्रोएक्टिवली मैनेज इन्फॉर्मेशन एंड कंट्रोल द नैरेटिव टू काउंटर प्रोपेगेंडा, दिस इंक्लूड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट अबाउट सिक्योरिटी मेजर्स एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, राइट। तो ये वो सारे 9-10 पॉइंट मैंने आपके पास लिख दिए हैं जो आपको एग्जाम में आप यूज कर सकते हैं अगर ये पूछा जाए कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। अब बात करते हैं कि उस एडिटोरियल में राइटर ने क्या बात की है। तो उन्होंने कहा है द सिचुएशन इन जम्मू रीजन इज इंडीड कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग रिक्वायरिंग ए नुआंस्ड एंड स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू काउंटर टेररिज्म। द रीडेप्लॉयमेंट ऑफ द ट्रूप्स फ्रॉम LAC चाइना वाली बॉर्डर से फ्रॉम द गलवान इंसिडेंट हैज इम्पैक्टेड द काउंटर टेररिज्म ग्रिड। ठीक, उसके बाद ही ये अटैक्स और ज्यादा तेज हो गए क्योंकि हमारे जो लोग थे पहले सिक्योरिटी फोर्स में जो वहां पे बहुत अच्छा वर्क कर रहे थे उनको हमने उधर शिफ्ट कर दिया चाइना बॉर्डर पर, लीडिंग टू इंक्रीज इन्फिल्ट्रेशन एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज। द गवर्नमेंट डिसीजन टू इंडक्ट एडिशनल ट्रूप्स इंक्लूडिंग स्पेशल फोर्सेज एंड असम राइफल्स, दिस अंडरस्कोर्स द सीरियसनेस ऑफ डेटोरिएटिंग सिक्योरिटी सिनेरियो। अगर आप असम राइफल्स को भी यहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं तो ये बताता है कि जम्मू में सिचुएशन काफी सीरियस है। नाउ एस्टैब्लिशिंग ए काउंटर टेररिज्म ग्रिड इज एसेंशियल फॉर डोमिनेटिंग वल्नरेबल एरियाज एंड प्रिवेंटिंग टेररिस्ट मूवमेंट्स। द ग्रिड्स इफेक्टिवनेस हिंजेज ऑन फैक्टर्स सच एज टेरेन, क्योंकि जम्मू रीजन में पीर पंजल पास जो है वहां पर टेरेन ऐसी है कि वो लोग इजिली दे कैन हाइड देमसेल्फ द टेररिस्ट ओके, वल्नरेबल एरियाज एंड लोकल पॉपुलेशन सपोर्ट। ट्रूप्स मस्ट विन द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ लोकल पॉपुलेशन, ये बहुत जरूरी है। जब तक लोकल पॉपुलेशन आपके साथ नहीं होगी वो एक इंटेलिजेंस गैदरिंग में आपकी हेल्प नहीं करेगी तब तक दिक्कतें बनी रहेंगी। द न्यूली इंडक्टेड ट्रूप्स फेस द चैलेंज ऑफ क्विकली अडेप्टिंग द टेरेन एज वेल एज लोकल डायनेमिक्स टू बी इफेक्टिव। सक्सेसफुल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन रिक्वायर ए स्ट्रेटेजिक एज वेल एज इंटीग्रेटेड अप्रोच। हिस्टोरिकल ऑपरेशंस लाइक ऑपरेशन दूधी, इसने डेमोन्स्ट्रेट किया था इफेक्टिवनेस ऑफ अलाउिंग कमांडिंग ऑफिसर्स टू कंट्रोल एंड कंडक्ट ऑपरेशन विद देयर यूनिट। ठीक है, तो पहले भी कमांडिंग ऑफिसर्स के हाथ में दे दिया गया था कि आप अपने तरीके से हैंडल कीजिए और हमें वही दोबारा करने की जरूरत है, ना कि ऊपर बैठे हुए लोगों से ऑर्डर लेने की। सिमिलरली न्यूली इंडक्टेड ट्रूप शुड बी डेप्लॉयड एज एन इंटीग्रल यूनिट एंड गिवन टाइम टू एक्लिमेटाइज एंड ऑपरेट इफेक्टिवली विद इन द एग्जिस्टिंग कमांड स्ट्रक्चर। This approach avoids the pitfalls of piecemeal deployments and ensure a more coordinated and sustainable counter-terrorism effort. So overall situation call for patience, strategic deployment and community engagement to effectively counter the terrorist threat in the Jammu region. ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने पूरा इन डेप्थ कवर कर लिया है। पहले मैंने सोचा था इसको ब्रेन स्ट्रॉमिंग में करेंगे हम, ठीक है, लेकिन मैं एक बार पहले करवा चुका था इसलिए मैंने इसको दोबारा नहीं लिया है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, अच्छे से चीजें समझ रहे हैं तो ही ये इफेक्टिव होगा। अगर आपसे वैसे रैंडम कभी ही न्यूज डिस्कशन यहाँ सुन लिया, कभी वहां सुन लिया, वो इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि आपके प्रेपरेशन में कंटिन्यूटी नहीं आएगी। सो आप जो भी चैनल फॉलो करो, जिस टीचर से भी पढ़ो, किसी एक पे स्टिक रहो। ये सब फालतू के हैं, स्ट्रे डॉग एंड ऑल दोस थिंग्स, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जाम है। बांग्लादेश के बारे में हम लगभग सब कुछ पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, हम काम की चीज पे चलते हैं। बिमस्टेक FTA, नाउ सी, जब हमारे यहाँ SAARC डोरमेंट हो गया था ड्यू टू दिस एटीट्यूड ऑफ पाकिस्तान, तो हमने क्या किया था कि हमने बिम्सटेक की तरफ ज्यादा ध्यान दिया था। बट बिम्सटेक का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर बांग्लादेश ही था, इसके अलावा म्यांमार था, वहां पे भी ट्रबल चल रहा है, नेपाल था, उसने बेवजह एक इशू क्रिएट कर दिया काला पानी का कि ये हमारा एरिया है, बेवजह इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू कर दिया। भूटान है, तो भूटान जनरली इंडिया के उसमें रहता था कि फॉरेन पॉलिसी हमारे थ्रू कंडक्ट कीजिए, आपको आर्म्स वेपन्स वगैरह नहीं खरीद सकते इंडिया के अलावा किसी और से। और यहाँ पर इसका एक डिस्प्यूट चलता है चाइना के साथ नॉर्दर्न बॉर्डर, सॉरी ये डोकलाम वाले एरिया पे। तो इन लोगों ने क्या किया, ये चाइना के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं और चाइना ही चाहता है कि आप हमें इधर वाला एरिया दे दीजिए, इसका डबल एरिया हम आपको नॉर्दर्न साइड पे दे देंगे। तो वो इंडिया के कंसर्न है क्योंकि ये हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक वाला चीजें आ जाती हैं। बट अभी क्या हो रहा है कि भूटान
भी थोड़ा इंडिया की छाया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, वो चाइना के साथ बायलेटरल लेवल पे डायरेक्ट नेगोशिएशन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस डिस्प्यूटेड टेरिटरी, जो कि इंडिया के लिए बहुत वल्नरेबल है। ठीक है, तो ये चीज भी हमें पसंद नहीं आ रही है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भूटान। ठीक है, म्यांमार ऑलरेडी ट्रबल में, थाईलैंड है तो चलो वो अभी थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, राइट। इसके अलावा श्रीलंका है, वो भी ट्रबल में। तो बिम्सटेक की भी जो एफटीए टॉक्स थी, ये सब स्टॉल हो चुकी हैं। इसको चाहते हैं ये लोग रिवाइव करना, बट अभी तक ऐसा कुछ होते दिख नहीं रहा है। इट इज नेसेसरी टू रिमूव दी नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड अडॉप्ट इंटरनेशनल नॉर्म्स ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन टू हेल्प एक्सपेडिट दी ट्रेड टॉक्स विद इन बिम्सटेक। तो हमारा ये जो रीजन है ना, पूरा साउथ एशियन रीजन, इसे बोला जाता है लीस्ट कनेक्टेड। अगर हम इंट्रा ट्रेडिंग की बात करें बिटवीन कंट्रीज ऑफ दिस रीजन, तो ये बहुत पुअर है। आप आसियान कंट्रीज को देख लीजिए, तो अपने आपस में ही 26% ट्रेड करते हैं। ठीक है, हम लोग हार्डली 6% ट्रेड आपस में करते हैं, हमारी जो साउथ एशियन रीजन की जितनी भी कंट्रीज हैं। चलिए आगे चलते हैं, बिम्सटेक को कभी डिटेल में पढ़ेंगे, वो सिग्निफिकेंस वगैरह उसके। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, येन कैरी ट्रेड। ये क्या है, यहाँ पे क्या कर रहा है, जापान आपको अपनी करेंसी देता है, जीरो इंटरेस्ट पे ले जाओ। ओके, फिर इस करेंसी को आप जापानीज येन लेके आए, आपने खरीद लिया कुछ और, इस करेंसी का यूज करके आपने कुछ और करेंसी खरीदी दूसरी, लाइक आपने रुपी खरीद लिया या डॉलर खरीद लिया, और फिर आपने उसको वहां इन्वेस्ट कर दिया कहीं, ठीक, और वहां से आपको अच्छे रिटर्न्स आ गए, उसी को कहते हैं येन कैरी ट्रेड। ठीक, इट इन्वॉल्व्स बोरोइंग द येन और एनी अदर करेंसी विथ सिमिलर सुपर लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ऑलमोस्ट 0%, एंड देन यूजिंग इट टू बाय करेंसीज विच विद बेटर यील्ड। ओके, आपने जैपनीज येन उठाया, 0% इंटरेस्ट पे उठाया, उसके बाद फिर आप इंडिया आए, आपने यहाँ की रुपी जो करेंसी है उसमें कन्वर्ट किया, और क्योंकि वो आपको बेटर रिटर्न देगा। कि ट्रेड इन्वॉल्व बाइंग दी हायर यील्डिंग करेंसी, ठीक है, लाइक रुपी और डॉलर, विद दी बोरोड येन टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स और अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इन दैट करेंसी। Now, what happen at the end? That at the end of usually short-term trade, the investor convert the dollars or pesos back into yen and then repay the loan. उसके बाद आपको जो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, रुपये में कन्वर्ट करने के बाद आपने रुपये में कन्वर्ट किया, फिर कहीं बॉन्ड शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, वहां से कुछ प्रॉफिट जनरेट हुआ आपको, ठीक है, आपने इंडिया के बैंक में डिपॉजिट कर दिया, चलो बहुत सारा आप वहां से डॉलर लेके, सॉरी येन लेके आए जापान से, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया, उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, साल भर आपको काफी सारा इंटरेस्ट मिल गया, 5% 6%, कुछ बैंक 7% तक भी दे देते हैं, ठीक है, फिर आपने उसको दोबारा येन में कन्वर्ट किया और वहां जाके पे कर दिया उसका अमाउंट, ठीक है, आपने इंटरेस्ट कमा लिया क्योंकि आप 0% इंटरेस्ट पे लाए थे, तो आपने हर महीने 5 से 6% इंटरेस्ट कमाया, राइट। इसी को कहते हैं येन ट्रेडिंग। हाउ डिड इट बिगेन? बिगेन इफ डिफाइंड ब्रॉडली एज यूजिंग ए लो यील्डिंग येन टू बाय हायर यील्डिंग फॉरेन एसेट्स, then its origin can be traced back to 1999 when Japan struck policy rates down to zero after its asset bubble burst. The Japanese turned to international markets to get anything better than the zero yield at home, plugging trillions of dollars into foreign market and thus turning Japan into the world's biggest creditor nation. वैसे जापान वर्ल्ड में एक टाइम पर बहुत बड़ा क्रेडिटर बन गया था, क्योंकि उसकी खुद की करेंसी की यील्ड बहुत पुअर हो चुकी थी, तो वो अपनी करेंसी को यूज कर रहा था दूसरों को देकर कि आप कन्वर्ट कर लो, और अलग अलग देशों में जाके खुद ही इन्वेस्ट कर रहा था अपनी करेंसी। जैसे इंडिया की जो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है, उसमें क्या है, ऑलमोस्ट आई थिंक ऑलमोस्ट पूरा 1 लाख करोड़ जो खर्चा आ रहा है, ठीक है, वो जापान की ही जिक्सा बैंक ने दिया है, वो भी 50 ईयर्स में पे करना है आराम से, और उस पर भी 15 ईयर का मॉरिटोरियम है, यानी कि जब ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे उसके बाद 15 ईयर्स तक कुछ पे नहीं करना है, 15 ईयर के बाद से आपको अपना जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट है वो पे करना शुरू करेंगे आप, और आराम से 50 साल में पे कीजिएगा, ठीक, और वो इंटरेस्ट रेट भी कुछ हार्डली 0.5% या ऐसे ही कुछ है, ठीक है, बहुत कम लो इंटरेस्ट पे, बहुत लो इंटरेस्ट पे दे देता है जापान लोन, और आज से नहीं पहले से देता आ रहा है ये वर्ल्ड ओवर, इसलिए बहुत बड़ा क्रेडिटरी माना जाता है। मिलिट्री रेफ्यूज पे एनफोर्स कर्फ्यू। अब ये जो मिलिट्री का कंसेप्ट है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि शेख हसन ने कोशिश नहीं की थी, उसने मिलिट्री को कहा था कि आप पूरे देश में कर्फ्यू लगा दीजिए, पर मिलिट्री ने मना कर दिया था, और जब मिलिट्री ने मना कर दिया था तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन रहा नहीं, वो वहां से भाग गई। चाइना लॉन्चेस पेट्रोल नियर कंटेस्टेड शोर, ठीक है, तो ये सब हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, विद मैप देख चुके हैं। और फिलीपींस क्यों इतना ज्यादा अब एग्रेसिव हो रहा है, बिकॉज उसको भी उम्मीद है कि ट्रंप आने वाला है, ठीक है, और वो बहुत अनकंडीशनल सपोर्ट देगा इनको, ये ऑलरेडी डिफेंस पार्टनरशिप में है यूएसए के साथ, अगर इन पे अटैक होता है तो यूएसए को आना ही पड़ेगा इंटरफेयर करने,
राइट, और चाइना भी इसलिए थोड़ा सा लीनियंट हो रहा है अब कि ट्रंप के आने से पहले आप फिलीपींस के साथ सेटल कर लो आपस में, राइट। नहीं फिर भी वो परेशान करता रहता है इस एरिया में, ये जो स्प्रैटली आइलैंड है, पैरासल आइलैंड ग्रुप है, वो सब। आफ्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वांटम कंप्यूटर्स आइस बिग ब्रेक थ्रू मोमेंट, ठीक है, इसकी समरी करेंगे हम इस आर्टिकल की, लेकिन ये समझ तभी आएगा जब मैंने कल आपके साथ शेयर किया है मेंस 450 प्लस में अबाउट क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड नेशनल क्वांटम मिशन। अब अगर आपने क्वांटम टेक्नोलॉजी वाला लेक्चर नहीं देखा है तो ये पढ़ने का, इसको समराइज करके भी ये समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ ये ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड मेन्स 450 प्लस जो है अलॉन्ग विद न्यूज पेपर एनालिसिस, ये आपको पूरी तरीके से तैयार कर देगा मेन्स के लिए। अगर आप सिर्फ न्यूज एनालिस्ट पे डिपेंड हैं तो वो उस अकेले से नहीं होगा, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग हम पूरा सेशन देख चुके हैं 450 प्लस में, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है, देख लीजिएगा, कल ही अपलोड किया है। क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोमिसेज रेवोल्यूशनरी एडवांसमेंट इन एरियाज लाइक ड्रग डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, विद कंपनीज सच एज कैम्ब्रिज बेस्ड रिवर लेन एट द फोरफ्रंट। नाउ इन लोगों ने एंटिसिपेट किया है मेजर ब्रेक थ्रू फॉर द टेक्नोलॉजी विद इन अ फ्यू ईयर। और वैसे भी जब इनको नोबेल प्राइज मिला था इस टेक्नोलॉजी के, तो इन्होंने कहा था कि पिछली जो सदी थी वो कंप्यूटर्स ने चेंज की, और ये वाली जो सदी है उसे क्वांटम कंप्यूटर चेंज करेंगे। अब इन लोगों ने क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं, ये फर्स्ट क्वांटम डिकोडर चिप विच एड्रेस द एरर करेक्शन नेसेसरी फॉर टेक्नोलॉजी टू एडवांस, ठीक है। अब ये एरर करेक्शन एक प्रिंसिपल है इसका, ठीक है, हमने ये सब उस लेक्चर में समझा है। सुपर इम्पोज क्या है, ठीक है, एंटेंगलमेंट क्या होता है, एरर करेक्शन क्या होता है, एरर एम्पलीफिकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें उस लेक्चर में करवा दी गई हैं, ठीक है। तो वहां से जब समझ में आएगा आप तभी समझिए, और एरर करेक्शन को हैंडल करना बहुत जरूरी था क्योंकि अभी वर्ल्ड में जो सबसे बेस्ट सुपर कंप्यूटर, और सॉरी बेस्ट क्वांटम कंप्यूटर बना है वो भी सिर्फ 450 क्यूबिट्स पे ऑपरेट कर रहा है, जबकि हमें एक अच्छा प्रैक्टिकली अगर हमें बनाना है तो 1000 क्यूबिट्स तक जाना होगा, ठीक है। अब ये जो क्यूबिट्स होती हैं इनको बहुत ही एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर चाहिए होता है, अदरवाइज ये क्या करती है, ये एरर देना शुरू कर देती है। और जैसे जैसे आप और ज्यादा क्यूबिट्स ऐड करते जाओगे, अभी 450 तक ही पहुंचे ना, आप और बढ़ाते जाओगे 1000 तक पहुंचोगे, तो ये एरर जो है वो और एम्पलीफाई होने लगेगा, ठीक है, एरर एम्पलीफिकेशन कहते हैं इसको, राइट। तो इन्होंने ऐसी क्वांटम डिकोडर चिप बनाई है फर्स्ट जो एड्रेस करेगी इस एरर करेक्शन को नेसेसरी फॉर टेक्नोलॉजी टू एडवांस, ताकि हम लोग 450 से 1000 क्यूबिट तक के क्वांटम कंप्यूटर्स बना पाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके जरूरी है इस एरर को टैकल करना ताकि ये और एम्पलीफाई ना हो, ओके। तो वो लेक्चर देख लीजिएगा। कंपनी सिक्योर्ड 75 मिलियन डॉलर इन सीरीज सी फंडिंग, सिग्नलिंग कॉन्फिडेंस इन इट्स पोटेंशियल। इट एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एरर करेक्शन फॉर क्वांटम कंप्यूटर्स टू अचीव प्रैक्टिकल सुपीरियोरिटी ओवर द कन्वेंशनल कंप्यूटर। एंड रिमेंबर, क्वांटम कंप्यूटर कन्वेंशनल कंप्यूटर्स को रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री है उसके लिए, ठीक है, उसको रिप्लेस करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है। क्वांटम कंप्यूटर्स अनलाइक द ट्रेडिशनल वन यूज क्यूबिट्स दैट कैन रिप्रेजेंट मल्टीपल स्टेट्स, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं हमारी क्वांटम एंटेंगलमेंट, मल्टीपल स्टेट साइमल्टेनियसली एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग देयर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। हाउ एवर चैलेंज रिमेन इन कंट्रोलिंग दी क्यूबिट्स एंड मिटिगेटिंग दी एरर्स। एरर मिटिगेट करना सबसे बड़ा चैलेंज है। टेक जाइंट्स आर इन्वेस्टिंग हैविली इन दिस एरिया एमिंग टू एनहांस क्यूबिट रिलायबिलिटी थ्रू हार्डवेयर शील्डिंग एंड सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम। द गोल इज टू स्केल अप एंड इनकॉर्पोरेट इफेक्टिव एरर करेक्शन, पेविंग द वे फॉर क्वांटम कंप्यूटर्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स प्रीवियसली डीम्ड अनसॉल्वेबल। जैसे गूगल ने एक प्रॉब्लम सॉल्व की है जिसको कन्वेंशनल कंप्यूटर करने में 10,000 ईयर्स ले लेता, उसने विद इन कुछ सेकंड सॉल्व कर दिया था क्वांटम कंप्यूटर ने। तो ये तो वो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं जो अभी भी 450 क्यूबिट्स तक ही ऑपरेट कर रहे हैं, हमें तो प्रैक्टिकली बनाना है 1000 क्यूबिट्स तक ऑपरेट करने वाला, राइट। तो फिर इंडिया इंसान का काम बहुत ईजी हो जाएगा। The rapid progress in quantum computing also raises regulatory concerns as government strive to stay ahead of technology's implication, particularly in field like cryptography, material science. तो इन्होंने यहाँ पे एम्फेसाइज किया है नीड फॉर प्रोएक्टिव रेगुलेशन टू हार्नेस द टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबली, एंश्योरिंग दैट नो नेशन लैग इन दिस पाइवोटल टेक्नोलॉजिकल रेस। और इसी में हम पीछे ना रहे हैं, इसलिए हमने क्या लॉन्च किया था, नेशनल क्वांटम मिशन, ठीक है, 6,003 करोड़ रुपीज का, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स, ये आर्टिकल अगर आप वैसे पढ़ते तो आपको बहुत टफ लगता, लेकिन अगर आपने मेंस 450 का वीडियो देखने के बाद अगर ये आर्टिकल रीड करोगे तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। नो से कोई भी टीचर हो ना, वो पढ़ा सब सेम चीज ही रहे पूरी यूपीएससी इंडस्ट्री में। दी ओनली डिफरेंस इज कि आप से कौन सा टीचर बेटर कम्युनिकेट कर पा रहा है, ठीक
जिसका पढ़ाया आपको समझ में आया आप उससे पढ़िए, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि कौन सा टीचर कहाँ पढ़ा रहा है, किस इंस्टीट्यूट में, किस चैनल पे। इट्स ऑल अबाउट कि उसका समझाया हुआ आपको कितना समझ में आ रहा है। ओके आगे चलते हैं। ऑलराइट, बाकी सब स्पोर्ट्स न्यूज है, सो वी आर डन फॉर दिस सेशन। ऑलराइट, सो डू ज्वाइन अस फॉर दी सेशन ऑन ब्रेनस्टॉर्मिंग टुनाइट। ये एप्लीकेशन पे अपलोड होगा वीडियो इसका, ठीक है। और मेंस 450 प्लस में हम लोग जो भी न्यू टॉपिक आएगा, वैसे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे हम लोग अगला सेशन करेंगे। और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ये अगला सेशन होगा हमारा मेंस 450 प्लस में। ब्रेनस्टॉर्मिंग के तीन टॉपिक आपको दे दिए गए हैं आज के। ऑलराइट, सो डू ज्वाइन दी कोर्स। इट जस्ट कम एट 1000 रुपीज मंथली, ठीक है, क्वाइट लीनियंट। So that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.